धनबाद झरिया के जामा डोबा जल संयंत्र में फुटबॉल में फंसे जल कुंभी निकासी का काम पूरा हो गया है। साथ ही पाइप मरम्मत का काम भी अब अंतिम चरण में है। लगातार हो रही बारिश के कारण थोड़ी अड़चने आ रही है, बावजूद इसके कर्मी लाखों की आबादी को पानी पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। बुधवार शाम तक लोगों को पानी मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि शुक्रवार को लगातार हुई बारिश के कारण दामोदर नदी उफान पर थी, जिसके कारण फुटबॉल में जलकुंभी फंस गई। यही नहीं, सप्लाई पाइप भी फट गया था, जिसके कारण झरिया के जामा डोभा जल संयंत्र में पिछले 6 दिनों से पानी की सप्लाई बंद है। सप्लाई बंद होने के कारण लाखों की आबादी पानी के लिए परेशान है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।